लाली को चाय बड़ी पसंद है, इसलिए लाली अक्सर आपको पप्पू के ढाबे पे ही मिलती है। अगर आप लाली और पप्पू की लव स्टोरी देखना चाहते हैं तो पप्पू लश्कारा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो। नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। नहीं, मैं झूठ बोल रही हूं। मैं तुमसे नाराज क्यों होगी? क्योंकि तुम्हें ना यहां तुम्हारी मर्जी के खिलाफ लेकर आया हूं, इस घर में अपने साथ। तुम अभी भी आतिर से मोहब्बत करती हो ना, है ना? बोलो, तुम उसके साथ रहना चाहती हो ना? कितने दिन हो गए फैसल को गए हुए, मगर फैसल ने एक बार भी मुझे फोन नहीं किया। क्या सच में अब उसकी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं? मेरी मोहब्बत, मेरी वफा की उसके नजदीक कोई अहमियत नहीं? क्या सारी जिंदगी मैं फैसल के किसी भूले हुए ख्वाब की तरह जिंदगी गुजार दूंगी? फैसल को क्या हो गया? फैसल तो मेरी सरहसी तकलीफ पर इतना परेशान हो जाता था, और अब ये वही फैसल है। अल्लाह, अब मेरी कौन सी आजमाइश शुरू हो गई है? अगर ये आजमाइश आतिर की जिंदगी के लिए है तो मुझे ये भी कबूल है। तंजीला का पहला शौहर फैसल, अब वो उसी के साथ रहती है। वो एक्सीडेंट में मरा नहीं था, वो जिंदा है, और उसके मरने की खबर की वजह से सारी सिचुएशन क्रिएट हुई। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने तंजीला को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तंजीला ऐसे किसी और के साथ कैसे जा सकती है? उसका शौहर नहीं जिंदा हो सकता, नहीं जिंदा हो सकता। कहां से आ गया उसका शौहर वापस?
السلام علیکم فیصل میاں، خیریت سے ہو؟ وعلیکم السلام. مجھے پتا چلا ہے کہ تمہاری بیوی پھر سے تمہارے پاس رہنے یہاں آ گئی. جی ٹھیک پتا چلا. چلو اچھی بات ہے، لیکن میرا ایک مشورہ ہے. یہ گھر کافی عرصے بند رہا ہے اور بند گھروں میں اکثر بلائیں آ کر قبضہ کر لیتی ہیں. بہتر ہوگا گھر میں دم درود کروا لو، گھر بلاؤں سے پاک ہو جائے گا. جی کروا لوں گا. ارے سنو تو، ویسے تو شرعی لحاظ سے اس کا تمہارے ساتھ رہنا بنتا ہی تھا، لیکن تھوڑی احتیاط کرنا، ایسا نہ ہو کہ پھر سے اس کا سابقہ شوہر تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے گھر کے چکر لگانے لگے. زبان سے بھاگ کے بات کرو ورنہ جیل سے مار دوں گا میں. ارے میاں میں تو سمجھا رہا تھا، تمہاری وہ بیوی ہی تھی جس سے اس کا سابقہ شوہر تمہاری غیر موجودگی میں ملنے آتا تھا. وہ تو جب ہم سب محلے والوں نے سوال کرنے شروع کیے تو ایک ہی رات میں وہ گھر چھوڑ کے بھاگ گئی، اور وہ بھی اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ. اگر اتنا ہی غصہ ہے تو جا کر اپنے گھر پہ اپنی بیوی سے پوچھو، جو تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت کی دھجیاں اڑاتی رہی. ہاں کیا ہوا؟ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ کیا میرے بعد آتے یہ آتا تھا؟ بولو جواب دو، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں. کیا میرے بعد آتے یہاں آتا تھا؟ ہاں. میری طبیعت پوچھنے آتا تھا. میں نے اسے یہاں آنے سے منع کر دیا تھا، مگر ایک رات سر اور پھر ایک رات تم اس کے ساتھ بیٹھ گئی. کیوں کیا تم نے ایسا؟ ہاں کیوں کیا؟ ہاں بولو جواب دو، کیوں کی تم نے آتے تھے شادی؟ میرا انتظار نہیں کر سکتی تھی تم؟ میں بتاتا ہوں، تم اس کے پاس واپس اس لیے گئی کیونکہ تم کبھی میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی. تم کیا کہہ رہے ہو؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، تم نے میرے ساتھ شادی تو کر لی لیکن تم نے مجھے کبھی اپنا شوہر مانا ہی نہیں تھا، بلکہ تم نے تو میرے مرنے پر شکر کیا ہوگا کیونکہ تمہیں اپنے آدر کے پاس واپس جانے کا موقع جو مل گیا تھا. اسی لیے تم نے میرے مرتے ہی آدر سے دوبارہ شادی رچا لی. جھوٹ ہے، یہی سچ ہے، یہی سچ ہے. تم نے ہمیشہ میری محبت کا اور میرے جذبات کا مذاق اڑایا ہے. آج میں تمہیں اس کی وہ سزا دوں گا کہ تم ہمیشہ یاد رکھو گی. یہ تم کیا کر رہے ہو فیصل؟ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا چکر ہے. ذیشان کچھ دنوں سے بہت پریشان ہے، بالکل خاموش رہتا ہے، کھانا بھی نہیں کھاتا،
ऑफिस भी नहीं जा रहा है, उसने बिल्कुल अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। क्या बात हो सकती है मामा, आपने पूछा नहीं? पता नहीं क्या चक्कर है, कुछ तो है। आप पूछेंगे नहीं मामा के क्या बात है? और आप तो कह रही थी कि भाई आतिर को मार देंगे, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और कितना इंतजार करना पड़ेगा मामा? ज़ीशान सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक कर रहा था तब, लेकिन पता नहीं क्यों आखिरी वार से बहुत दूर भाग रहा है। आखिरी वार? आखिरी वार यानी आतिर का कत्ल? हाँ, आतिर को मारना या तंजीला को अगवा करना, जब तक वो इन दोनों में से कोई भी एक काम नहीं कर लेता, हमें सिर्फ वेट करना होगा। खैर फिलवक्त तो उससे ये पूछना होगा कि आखिर उसने अपने आप को कमरे में बंद क्यों कर रखा। तुम्हारे लिए मरहम लाया था, तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी ना, लाओ मैं लगा दूं। नहीं नहीं ठीक है। तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? देखो मत डरो प्लीज, मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूं, तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाने के लिए। इधर लाओ। सब नहीं करना चाहिए था तंजीला, काश तुमने मेरी मोहब्बत को समझा होता। मेरे जज्बात की कदर की होती तो शायद, शायद क्यों, यकीनन मैंने तुम पर कभी हाथ ना उठाया होता और कभी ऐसा ना कुछ हुआ होता। लेकिन तुमने, तुमने हमेशा आतिर के लिए मुझसे बेवफाई की। क्या हुआ? उस आतिर ने तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, तुम्हें सबके सामने रुसवा किया, तुम्हारे दामन को बिना किसी कसूर के दागदार किया, और तुम हमेशा उसे अपना सब कुछ मानकर उससे बेवफाई करती रही। मोहब्बत को ठुकराती रही। कहो क्या बात है? ये ना वो बंदे का क्या करना है, हालत बहुत खराब है उसकी, कहीं ऐसा ना हो कि साला मर मरा जाए और खामखाई का मुद्दा हमारे गले पड़ जाए। नहीं नहीं उसे जिंदा रखो मेरे होने तक, मैं खुद उसे अपने हाथों से खत्म करूंगा। जी ये क्या कह रहे हैं आप? तुम बकवास बंद करो अपनी,
अपने पैसों से मतलब रखो बस। पहुंच रहा हूं मैं। पता नहीं क्या बात है, जीशान आज भी ब्रेकफास्ट पे नहीं आया। आपकी बातें हुई भाई से? हाँ मैं गई थी बात करने, लेकिन उसके रूम का डोर लॉक था। नॉक भी किया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। पता नहीं क्या बात है। जीशान जी। क्या? हाँ मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैम अभी मैं जरा जल्दी में, बाद में बात सुनता हूँ आपकी। ऐसा कौन सा अहम काम है जो मुझसे ज्यादा जरूरी है? मैम आपसे अहम कुछ भी नहीं है, लेकिन फिलहाल मुझे जाने दे, मैं आकर आपकी पूरी बात सुनता हूँ, ठीक है? यही मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात है? तुमने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, खाना नहीं खाते हो, किसी से बात नहीं करते हो, क्या बात है? पता चल जाएगा आपको, आज ही सब पता चल जाएगा आपको। आज मैं अपनी हर परेशानी जड़ से खत्म कर दूंगा। मामा आपको क्या लगता है भाई कहाँ गया होगा? जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ कि कहाँ गया है। ये यूँ समझ लो, हमारे प्लान के कामयाब होने का वक्त नजदीक है। लेकिन थोड़ी एहतियात करना, ऐसा ना हो कि फिर से उसका साहब का शोहर तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर के चक्कर लगाने लगे। लाली को चाय बड़ी पसंद है, इसलिए लाली अक्सर आपको पप्पू के ढाबे पे ही मिलती है। अगर आप लाली और पप्पू की लव स्टोरी देखना चाहते हैं तो पप्पू लश्कारा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।